आपके बीच में एक जनसेवक है। जनसेवक आपको हमेशा 24 घंटे घर में चट्टी पे भी रहे तब भी आपके काम करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पुरानी गल्ला मंडी करेली में चुनावी सभा को पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने करेली एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से आए नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि चिनकी बांध में डूब में आने वाली जमीन को मुआवजा हमारी सरकार के आते ही दिया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नागरिकों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली, जिसमें भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष रहे नरसिंहपुर विधानसभा प्रत्याशी लाखन पटेल, तेंदुखेड़ा प्रत्याशी संजय शर्मा, गाडरवाला प्रत्याशी सुनीता पटेल, गोंटेगा प्रत्याशी एनपी प्रजापति आदि ने संबोधित किया। करेली से भागीरथ तिवारी के साथ यदुनंदन सुदगैया की रिपोर्ट। मेरी पैदल चलते चलते घुटने घुस गए, एक इंच मेरी हाइट कम हो गई। मैं हमेशा क्षेत्रीय जनता के बीच में पैदल ही चलता रहा, लोगों के एक एक परिवार में दुख सुख में गया। यह चुनाव आपका चुनाव है, प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री और हमारी पूरी जनता विधानसभा की चुनाव लड़ेगी। ये लाखन सिंह पटेल बहुत बड़े आदमी नहीं है, आपके बीच में एक जनसेवक है। जनसेवक आपको हमेशा 24 घंटे घर में चट्टी पे भी रहे तब भी आपके काम करेगा। दरवाजे खुलवाने की जरूरत नहीं है, आप तो धड़धड़ा सीधे घर में आए, 24 घंटे काम करेगा। आपसे निवेदन है एक बार जनसेवक को चुने। ये केंद्रीय मंत्री ये जीतेगा तो उड़ जाएगा, पर जनसेवक विधायक भी आप ही रहेंगे। जो क्षेत्र की जनता कहेगी मैं वो काम करूंगा, नाम का विधायक रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नरेंद्र तोमर तिमनी से चुनाव लड़ रहे हैं, राजपूत समाज से, वो भी कहते मुख्यमंत्री चेहरा है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं इंदौर में मुख्यमंत्री चेहरा है, और फग्गन सिंह गुलस्ते निवास से कहते हैं आदिवासी मुख्यमंत्री चेहरा है, और नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं कि मैं ब्राह्मण और मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं बुधनी से शिवराज चौहान मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं, और वर्तमान में चैनल में सर्वे जो आ रहा है वो आ रहा है कि कांग्रेस की ज्यादा विधायक जीत रहे हैं। और मध्य प्रदेश की विधानसभा में नरसिंहपुर जिले के हर सीट का झंडा लहराएगा। दिल्ली में हम वो कानून लाएंगे, किसानों के साथ अन्याय करते हैं तो हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। 70% हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था आप करते हैं। हमारे जो किसान है, जो ट्रैक्टर चलाता है, जो मरम्मत का काम करता है, जो मजदूरी करता है खेत में है, 70% हमारी अर्थव्यवस्था भोपाल और इंदौर में नहीं है, वो आप क्या है। और आप की जब मजबूती होती है तब हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। जैसे आपने पहले नरसिंहपुर का झंडा ऊंचा रखा था, मुझे इस दफा